आज हम बनाएंगे बेसन का झटपट बनने वाला टेस्टी सा स्नैक्स। आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन, साथ ही में हम इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच मैदा। मैदा डालने से एक सॉफ्टनेस रहेगी स्नैक्स में। ये मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए है। आप चाहे तो हल्दी को अवॉइड कर सकते हैं। स्वादानुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच डालेंगे तेल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लिया है बेसन का, और कुछ इस तरह से हमने इसका आटा लगाया है। अब क्या करेंगे, पूरे ही आटा को हम इस तरह से बड़ी सी बॉल्स बना लेंगे। ठीक है, मतलब पूरे एक ही लोई बना लेनी है इस तरह से बड़ी सी। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे ताकि ये जो हम स्नैक्स बना रहे हैं ये आपस में चिपके ना, और पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए या आपको लगने लगे कि पानी गर्म हो चुका है तो बस हमें अपना स्नैक्स बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आ चुके हैं। तो आप इस तरह से छोटी चाकू भी कैंची ले सकते हैं या एक बड़ी कैंची ले लीजिए, और ये जो हमने बड़ी सी लोई बनाई थी ना बेसन की, इस तरह से कैंची से हम कट करते जाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसमें डिज़ाइन बनके तैयार हो रही है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हमने इसलिए लगाया है ताकि जब ये स्नैक्स अच्छे से पक जाएगा, पानी में उबल जाएगा, तो ये सॉफ्ट रहेगा। अगर आप सख्त आटा लगाएंगे ना तो ये उबलने के बाद थोड़ा सा हार्ड लगता है खाने में, इसलिए सॉफ्ट लगाना है। और सॉफ्ट लगाएंगे तो हल्का सा ये कैंची में चिपकेगा, बिल्कुल हल्का सा, बट एक फिंगर की हेल्प से आपको इस तरह से इसको अलग कर लेना है। बहुत ही ईजिली ये अलग हो जाता है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा जो स्नैक्स है अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसको हम एक स्टीनर में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो ख़त्म हो जाए और ये चिपके ना। तो हमारा स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फटाफट से देखते हैं आगे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमने गैस में एक पैन रखा है, इसमें 2 छोटी चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको हम हल्का सा भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हमने कैसे कट किया है, एक छोटी प्याज के 4 टुकड़े किए, उसकी लेयर्स को अलग कर लिया। ठीक है, मतलब प्याज की पेटल्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी हैं। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्रंची रहती हैं और बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। और साथ ही में हमने थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है। इन दोनों को हल्का सा हम सॉटे करेंगे। याद रखिए हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है ताकि इनकी जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। अब इसमें हमने डाल दिए हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न। यहाँ पर इस रेसिपी में स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। स्वीट कॉर्न ना हो, अगर आपके पास हरी मटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हल्का सा ही हमने स्वीट कॉर्न को फ्राई किया है विद इन 15 सेकेंड के लिए। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको रखते हैं हम साइड में। यहाँ पर फिर से हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर अगर बटर है ना तो बटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच मैदा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बना रहे हैं व्हाइट सॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल चीजी टेस्ट देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने चीज का इस्तेमाल किया हो। तो अब करना क्या है, इस मैदा को ना बिल्कुल लो फ्लेम पर बढ़िया से 2-3 मिनट के लिए भूनना है। बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है ताकि जो मैदा का कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, फिर से याद करा दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मैदा को बहुत अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध।
तो इस दूध को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से अब करेंगे मैदा को दूध में मिक्स। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा जैसे थोड़ी बहुत गुठलियाँ सी पड़ गई हूँ, बट इसको आप ना कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे तो ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो विद इन एक मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं मैदा की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये जो मिश्रण एकदम स्मूथ हो गया है। तो लीजिए हमारा जो वाइट सॉस है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बस इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वाइट सॉस वाला जब हम पास्ता बनाते हैं ना तो उसमें कुछ सिंपल से फ्लेवर जाते हैं बट लगते वो बहुत ही टेस्टी हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो लगभग आधा चम्मच के करीब और इतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लगभग एक चौथाई चम्मच के करीब हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है। इन सभी मसालों को अच्छे से हम अपने व्हाइट सॉस में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने जो सब्जियाँ सॉटे करके रखी हुई थी उन सभी सब्जियों को इसी व्हाइट सॉस में मिला देंगे। ये हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बना रहे हैं, व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, लेकिन ये हम मैदा का पास्ता नहीं, आटा का पास्ता नहीं, ये हम बना रहे हैं बेसन का पास्ता, जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देता है और बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि ये बेसन से बना है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी है। तो लीजिए हमने अच्छे से सब्जियों को व्हाइट सॉस में मिक्स कर दिया है। अब फाइनली बारी आती है इसमें पास्ता डालने की, जो कि हमने बना करके रखा हुआ था। तो चलिए फटाफट से डालते हैं इसमें अपने बेसन का पास्ता। तो शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसी रेसिपी देख रहे हैं, बट बिलीव मी गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप जो नॉर्मल व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं और अच्छे से हम पास्ता को कर लेंगे व्हाइट सॉस में मिक्स। तो यहाँ पर जो व्हाइट सॉस है ना ये आपके चीज़ का काम करता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लीजिए फाइनली हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम इसकी प्लेटिंग और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बेसन का बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता। इसको आप बेसन का व्हाइट सॉस पास्ता भी बोल सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। शायद ही है आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी ट्राई करी हो, कभी बनाई हो। बनाई होगी नॉर्मल पास्ता मैक्रोनी को बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से बेसन से आपने शायद ही है कभी बनाया हो। बहुत ही टेस्टी लगेगी, मैं पर्सनली आपसे बोल रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की ये बेसन की झटपट बनने वाले नाश्ता की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।